नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अब बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की। कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार गिरावट आई है और 9 महीने में सबसे सस्ता हो गया है कच्चा तेल। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव सितंबर के बाद सबसे कम है और मंगलवार को करीब 2% की गिरावट आई थी। WTI क्रूड का भाव $43 के आसपास है, ब्रेंट का भाव 46 के नीचे लुढ़क चुका है और इस साल अब तक करीब 22% की गिरावट आ चुकी है कच्चे तेल में, क्योंकि अमेरिका में लगातार कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ रहा है। इसका लगातार निगेटिव इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और 20% से ज़्यादा गिरावट बियर मार्केट के संकेत माने जाते हैं। तो बाजार कहीं ना कहीं बियर मार्केट में फंसता हुआ दिख रहा है, तेज़ गिरावट आई है और बैंक ऑफ अमेरिका ने एक बड़ा टारगेट दिया है क्रूड को लेकर के। और बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है कि क्रूड पर $30 प्रति बैरल का टारगेट यहां पर फिक्स किया है, यानी $30 प्रति बैरल तक कच्चे तेल का भाव जा सकता है, यानी यहां से करीब $15 से $20 की गिरावट कच्चे तेल में और देखने को मिल सकती है। ये बात बैंक ऑफ अमेरिका ने कही है, तो इस पर आप नज़र रखिए। इसके अलावा अगर बुलियन की बात करें तो सोने चांदी में हल्की रिकवरी आई है और 5 हफ्ते के निचले स्तर से गोल्ड का मार्केट रिकवर हुआ है। $1,245 प्रति औंस के ऊपर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड, करीब $3 की मजबूती है और चांदी का भाव $1,650 प्रति औंस के आसपास यहां पर ट्रेड कर रहा है। शेयर बाजार में गिरावट से बुलियन मार्केट को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है और उसका इम्पैक्ट आपको आज इंडियन मार्केट पर भी देखने को मिल सकता है।